हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर सीए सीएमए या सीए स्टूडेंट की भी अगर मैं बात करूं तो उनके माइंड में रहता है, सबसे ज़्यादा डाउट रहता है सीए स्टूडेंट्स को। सर, आर्टिकलशिप कब करें, कैसे करें और कहाँ से करें। ये आर्टिकलशिप से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना, मैं कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई करने के लिए और वो रियलिटी बताऊंगा जो शायद आपको किसी और ने नहीं बताई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपकी आर्टिकलशिप है, आर्टिकलशिप हर मतलब सीएमए अलग टाइम पे स्टार्ट होती है और सीएमए के अंदर अलग टाइम पे और सीएस के अंदर अलग टाइम पे। सीए के अंदर मैं अगर बात करता हूँ तो आप इंटर के बाद कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अभी होता है कि सर रिजल्ट नहीं आया हमारा, हम आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दें या अभी थोड़ा सा वेट करें। देखो, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट कर दो और वहाँ पे जहाँ पे भी आप ज्वाइन कर रहे हो उनको कह सकते हो कि सर अगर किसी रीज़न से मेरा रिजल्ट नेगेटिव हो गया, क्योंकि सीए है कुछ नहीं कह सकते हो, अगर किसी रीज़न से मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया, मैं पास नहीं हो पाया, तो हो सकता है मैं बीच में स्किप कर दूँ। तो आप उनको एडवांस में ही ऐसा बता के ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है ना, इन 2-3 मंथ्स को यूटिलाइज करो सुपर एक्सपर्ट कोर्स करने में। वन बाय वन भी कर सकते हो और ऑल टुगेदर सुपर एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल, ये 4 कोर्स करने में यूटिलाइज करो। वैलिडिटी उसकी 9 मंथ्स है, बट आप रिकॉर्डेड हैं, आप सीए स्टूडेंट्स हो वैसे, तो बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जब आप ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लोगे ना, आपको एडवांस नॉलेज हो जाएंगी इन चीज़ों की, तो डायरेक्टली आर्टिकलशिप बहुत ईजिली मिल जाएगी आपको। और उसके अलावा एक अच्छी आर्टिकलशिप मिलेगी, प्लस आपको स्टार्टिंग से एक हायर लेवल की वर्क करने को मिलेगा। तो उसके लिए मैंने कोर्सेज के लिए कि सीएससीएमए के साथ कौन से कोर्सेज हमें करने चाहिए, मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो रिजल्ट के अभी वेट कर रहे हो या कैसे करना है उसका आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी करना है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर लगता है कि नहीं मैं अभी नहीं करता हूँ तो कोर्स करिए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए, ताकि ये 2 मंथ्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकलशिप करें तो करें कहाँ से। कोई कहता है बिग फोर, मतलब बहुत, एक रियलिटी आपको बताओ ना, एक सब स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है, बिग फोर से करनी है। एक्चुअल में जो ये कह रहे होते हैं ना बिग फोर से करनी है, 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है बिग फोर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उनको बिग फोर के नेम भी नहीं पता है। अब जब उनको ये नॉलेज नहीं है तो वो क्यों कह रहे हैं बिग फोर से करनी है, क्योंकि उन्होंने हर किसी को ये कहते सुना है और ये सुना है कि वहाँ से एकदम बढ़िया पार्टिकलशिप होती है। देखो, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, रियलिटी समझना, इस चीज़ को कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकलशिप आप बिग फोर से कर रहे हो, परफेक्ट है, नहीं कर रहे हो तो भी परफेक्ट है, आपकी अपनी चॉइस है। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिग फोर आपके लिए सही है या नहीं है। सबसे पहले बिग फोर क्या है, बिग फोर हमारी टॉप फॉर्म्स हो जाती हैं जो लीगल एडवाइजरी या मैं कहता हूँ सीए टाइप में वर्क करती है। एमएनसीज हैं बेसिकली, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं। सो जैसे इसमें केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट और हमारे ईवाई आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें आ जाती है और थोड़ा सा इनमें चेंज आता रहता है ओवर द टाइम। तो इनमें क्या है कि आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। अब इनमें आर्टिकलशिप करने के फायदा और नुकसान दोनों चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। आर्टिकलशिप करने का इसमें बेनिफिट क्या है, आपके साथ स्टार्टिंग से ही ब्रांड वैल्यू लग गई। ठीक है, एक ब्रांड अटैच हो गया ना, आपने बिग फोर में करा है, तो मतलब आर्टिकलशिप बिग फोर में होगी, तो इसका मतलब आने वाला जो टाइम पीरियड भी है ना आपका आफ्टर सीए, तो वहाँ पे जॉब भी आपको एक अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि आपका बिग फोर में आर्टिकलशिप है। और बहुत सी फर्म्स का क्या होता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो बिग फोर में भी, उसी फर्म में भी आपको बाद में आफ्टर सीए ज्वाइन कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वहाँ पे ऑप्शन रहता है। प्लस वहाँ पे क्या होता है, आपको किसी पर्टिकुलर एक फील्ड की एक्सपर्टाइज नॉलेज मिल जाती है। क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर फील्ड, लाइक अभी आप ऑडिटेड जा रहे हो, ऑडिट में भी ऐसा नहीं कि ऑडिट है तो मतलब एक ही तरीके का ऑडिट नहीं, ऑडिट में आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट, और हो सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के भी किसी एक पार्ट में आपको वहाँ पे करने को वर्क मिले। नॉर्मली क्या होता है, जो वर्क आपको करने को मिल रहा होता है ना, जिस फील्ड में आपने स्टार्टिंग में एंट्री कर दी है, लाइक आपने जीएसटी में करी है, तो पूरे 3 ईयर्स आप जीएसटी ही सीखोगे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो गए। और नुकसान क्या हुआ, सिर्फ आप एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हुए। बहुत सारे, देखो मेरा तो अभी क्या रहता है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स से कनेक्शन रहता है, उनसे बात होती रहती है, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, उन्होंने स्टार्टिंग में बिग फोर में करना है, वहाँ पे गए, जो उनको फील्ड मिल गया वो मिल गया और उन्होंने उसमें वर्क करना शुरू कर दिया। आफ्टर 3 ईयर्स उनको रियलाइज हुआ, जब मैच्योरिटी आई कि नहीं, ये वो फील्ड नहीं है जिसमें मुझे वर्क करना था, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मुझे स्कोप नहीं दिखता, या जो मेरा प्लान था वो इस
फील्ड में मेरे प्लान्स प्रॉपर पूरे नहीं होंगे, अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रीज़न बिंग कि जिस फील्ड में उन्होंने 3 ईयर सीखा है वो उसकी नॉलेज है, दूसरे की उनको नॉलेज नहीं है, और वो स्विच करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इम्पॉसिबल नहीं बट बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक बहुत दिक्कत आती है। अब दूसरी चीज़, मैं जो पर्सनली थोड़ा सा रिकमेंड करता हूँ, मेरा जो फेवर रहता है, जब तक आपको क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, अगर बिल्कुल विजन क्लियर है कि मुझे तो GST में ही जाना है, मुझे तो इनकम टैक्स में जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे उसी में जाना है, बिग फोर के लिए टारगेट करो। और बिग फोर में ऐसा नहीं जो मिल जाए वो कर लो, नहीं वही मिले तो करो। अगर आप सिर्फ ये कर रहे हो कि बिग फोर में जो मिल जाएगा मैं तो वो कर लूंगा तो गलत है। दूसरी चीज़ इसमें मैं क्या प्रेफर करूंगा, अगर आपको विजन क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता है अभी कैसा है, और ऑब्वियस है ना अभी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट ही हो रही है, तो आपको कैसे पता होगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, ऑडिट कैसे होता है, GST में वर्किंग कैसे होती है, इनकम टैक्स में वर्किंग कैसी होती है, क्या स्कोप रहता है, फ्यूचर अर्निंग क्या है, क्या फीस रहती है, कितने क्लाइंट्स आते हैं, किस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, आपको कैसे पता होगा अभी, आपको सिर्फ किसी ने बताया होगा। अब जब किसी ने बताया होगा डेफिनेटली आप किसी की, अब भी आप भी तो मेरी बात ही सुन रहे हैं ना, तो किसी ने आपको गाइड करा होगा, तो हो सकता है वो सही गाइड करा हो, सकता है गलत गाइड करा हो, मतलब उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको भी उसकी तारीफ करेंगे, किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है तो आपको भी उसकी बुराई ही करेंगे। सो उनके अच्छे, अगर उन्होंने तारीफ़ कर दी तो वो आपका फेवरेट हो जाएगा, और उन्होंने बुराई कर दी तो आपको वो बुरा लगेगा, लेकिन वो तो सिर्फ अभी है ना, आफ्टर 1 or 2 ईयर्स आपको रियलाइज़ होगा कि सही करा या गलत करा मैंने। तो ऐसे में अगर आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कुछ नहीं पता है, सो मैं रिकमेंड करूँगा एक मीडियोकर फर्म में आप ज्वाइन करिए, जहाँ पे मतलब मिडिल लेवल की वर्क एक्सपोजर अच्छा हो, जहाँ पे आपको ना मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज मिल जाए। क्यों? देखो ओवर द टाइम, अभी आज का टाइम ऐसा है कि एक फील्ड में एक्सपर्टाइज होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट बेस आपका हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, किसी एक में आप बहुत एक्सपर्ट तो नहीं बनोगे, बट ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में वर्क कैसा होता है, GST में कैसा होता है, ऑडिट में, पहली चीज। अब सबकी नॉलेज होगी ना, तो कल को आप किसी एक फील्ड को चूज करोगे तो बाकी सबकी भी नॉलेज हेल्प में आपके आएगी, यूज में आएगी। दूसरी चीज़ क्या होगा इसके अलावा, आपको जब वर्क करोगे तो आपको एक्सपोजर होगा, आपको चीज़ें पता चलेंगी, अच्छा किसमें किस तरीके का क्लाइंट आते हैं कैसे। थर्ड एक और मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बिग फोर में बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट ना आर्टिकलशिप में ही फंसे रह जाते हैं, मतलब 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो अपनी स्टडी को वो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे पाते। आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी से करनी चाहिए हमें, बट जब तक आप CA नहीं हो तो आर्टिकलशिप भी बेकार है। मीन्स यू हैव टू बैलेंस बिटवीन बोथ, आप ऐसा नहीं कि बस आर्टिकलशिप पे फोकस करके अपनी स्टडी का लॉस कर दिया, ना तो आपके CA इंटर क्लियर हो पाई है, या कर ली है तो फिर आपका फाइनल क्लियर नहीं हो रहा, तो ऐसा भी मत करिए। और अगर मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा सिर्फ पढ़ाई पे करने के लिए अपनी आर्टिकलशिप डमी कर लो, वो भी गलत है। सो आपको दोनों के बीच में बैलेंस अपना क्रिएट करके चलना है। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपका विजन क्लियर है या नहीं है। नहीं है तो मैं कहूँगा मीडियोकर फर्म में करो, लगता है आफ्टर 1 ईयर, आपको 1 ईयर में तो स्विच करने का टाइम पीरियड वैसे ही मिलता है ना, उसके बाद स्विच कर लो, तो एटलीस्ट कुछ एक्सपोजर आपको होगा, कुछ नॉलेज आपको होगी, ठीक है। विजन क्लियर है बिग फोर में जा सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट है आपको, कुछ भी लगता है आप पूछो, और डेफिनेटली आई विल से कि अगर बेनिफिशियल है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि मेरे एफर्ट्स का मतलब मैं वीडियो डालूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरी बात पहुँच सके, तो उसमें सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो और कोई नहीं। सो शेयर करना और सब्सक्राइब करना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।